जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ। तो आपको बता दूं, इस वक्त मैं हूं पल्लवा कैंप में और यहां पे ये मेरे सज्जन हैं, इनका ये घर है। ये कब देखा है आपने इसको? यस, मैंने सुबह देखा था करीब इसको 9 बजे के करीब। अच्छा, मैंने पोल लगाया था अंदर, मैं बाहर निकाल के थोड़ा हवा लगाते हैं। ये आपका चारे वाले कमरे में था ये? हवा लगाते हैं, मैंने 4 बोरे निकाल दिए, 5 और निकालने का, बोरे के नीचे बैठा था कोने पे। अच्छा, मैंने आपका नंबर लिया किसी से, किताब से कनेक्ट किया। तो आपके वो जो ब्रदर इन लॉ जोगिंदर जी हैं, उनका भी मुझे कॉल आया था। मैंने उनको पहले फ़ोन किया तो बोले मेरे पास नंबर नहीं है। अच्छा, नंबर लेके फिर देता हूँ आपको। अच्छा, आपके पास दुकान के साथ रिचार्ज वाली दुकान है बब्बू राम लड़के की, तो मैंने उससे नंबर लिया। तो चलो, आपका धन्यवाद ही है कि आपने इस पर्यावरण प्रेमी जीव की जान बचाने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है। तो ये देखिए, ये मेरे साथ मेरा छोटा भाई राहुल सोडी और बड़े से बड़े सांप को काबू करने में माहिर। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो आप देख सकते हैं, ये इंडियन ब्लैक कोबरा जो है वो इनके चारे वाले रूम में घुस गया था। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये कोबरा जो है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा, ये भागने की फिराक में है। तो अभी कोशिश करते हैं कि इसका रेस्क्यू तो हो गया, बट इसको पैक करते हैं। सर, इसी इंजन पाउडर शरा इंजन पाउडर से बस। इसी इधर करो रे, पानी पिलाने। पानी ये देखिए, तो ये सांप जो है अपनी एक्चुअली केंचली उतारने पे है और इसकी स्किन जो है वो उतर रही है। तो ये शायद इसी वजह से कुछ ऐसा लगता है कि ये सुस्त है काफी। तो मोटा भी था, किन्ना है? कुछ भी मोटा नहीं है। ज्यादा नुकीले तो आंदा डब्बे बिच भी करी सकदा होना ना? नहीं कर सकदा बेचारा। तो देखिए, थोड़ा ही पीछे ये दोनों ही मिला। ये आज कुछ अजीब से वाकया हमारे साथ हुआ है। सांप कोबरा जो है वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है जब अगर उसके साथ कोई छेड़खानी हो तो, बट ये सांप जो है ऐसा लगता है कि जैसे थका हुआ है या फिर केंचुली अपनी जो है वो उतार रहा है। तो ये शांत मुद्रा में है, काफ़ी शांत ये सांप है, बट इसका साइज़ देखकर आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी बड़ा ये कोबरा है, इंडियन ब्लैक कोबरा। तो देखिए, इसका सेफ रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है और इसको अपने सुरक्षित पर्यावरण में, सुरक्षित वातावरण में इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें और बच्चों को अवेयर करें। और कोई भी मिसहैपनिंग अगर सांप के काटने से हो जाती है तो कोई झाड़ फूँक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई वीड़ा नहीं, तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के काटने से हो जाती है। तो पल्लवा में हूँ, तो सुबह भी जस्ट अभी घर से निकला ही था तो आपकी कॉल आ गई थी। तो अब इसका रेस्क्यू हो गया है तो हमें भी थोड़ी जल्दबाजी है क्योंकि मुझे अपने बिजनेस पॉइंट पे पहुंचना है। तो धन्यवाद हूँ आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ
अपने भाई राहुल सोडी का भी धन्यवाद करता हूँ कि एक कॉल पे वो चले आते हैं और इनकी जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री श्रीकाल। थैंक यू सर। ये जो कोबरा हमने अभी भी रेस्क्यू किया था एक डेढ़ घंटा पहले, तो उसको अब हम यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए पहुँच चुके हैं घने जंगलों में। तो यहाँ पे अब इसको रिलीज़ करते हैं, इसको अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस भेज देते हैं। तो ये देखिए, पास ले आइए। ये देखिए, तो एक अलग सी खुशी होती है, एहसास होता है, अनुभूति होती है जब इनको हम इनके नेचुरल हैबिटेट में वापस छोड़ देते हैं। तो इधर क्या, तो देखिए एक अलग सी अनुभूति, अलग सा एहसास और अलग सी खुशी होती है जब हम इन पर्यावरण जीवों प्रेमी जीवों को वापस इनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ते हैं। तो यही बस हमारा कर्तव्य है, हम निभा रहे हैं। धन्यवाद हैं आपके।